तार सप्तक में गला को ले जाना और सुर लगाना एक बड़ी बात है। इस तरकीब को सीख पाना थोड़ा कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। क्लास ऑफ क्लासिक्स में आपका स्वागत है। तार सप्तक को लेकर थोड़ा बहुत सभी को असुविधा होता है। तार सप्तक में जो शुरुआती असुविधा होता है, उसके लिए आप हमारे तार सप्तक में बनाए हुए पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो के अंत में तार सप्तक में गाना गाने के लिए एक टिप रहेगा, जो आपको तार सप्तक में गाना गाने के लिए आसान तरीका बता सकता है और आपका सांस भी बढ़ा सकता है। सभी को पहले तार सप्तक में गला को ले जाने की असुविधा होता है, और गला अगर चला भी जाए तो सुर लगाना और सुर के साथ रियाज या गाना गाना बहुत कठिन हो जाता है। तो पहले आपको एक बात अच्छे तरह से समझ लेना है कि रियाज के समय गला को तकलीफ़ ना देकर पूरी खुली आवाज़ के साथ रियाज करना है। और जब आप किसी को गाना सुनाने जा रहे हो, तब आपको अपना आवाज़ कंट्रोल करके तार में लेकर जाना है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज़्यादातर आवाज़ को फट जाने की तकलीफ हो सकता है। तार सप्तक का दो तरह से रियाज किया जाता है, एक खुली आवाज़ के साथ सुर लगाना और दो आवाज़ थोड़ा कंट्रोल करके सुर लगाना। गाना थोड़ा सॉफ्ट सुनाई दे, इसलिए आवाज़ को कंट्रोल करके तार में गाना गाया जाता है। और विस्तार या किसी भी शास्त्रीय संगीत के लिए ये दोनों तरीका ही इस्तेमाल होता है। खुली आवाज़ में तार सप्तक को रियाज करने से आवाज़ का गुणमान बढ़ जाता है और गला फ्लेक्सिबल बन सकता है। पूरी आवाज़ के साथ तार सप्तक रियाज करने से सुर और स्वर में दखल बढ़ता है। ज़्यादातर खुली आवाज़ में रियाज ठीक से कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़ा बहुत वॉइस एक्सरसाइज की ज़रूरत होता है, जैसे कपालभाति प्राणायाम और सांस को इनहेल करके गला में रोक के रखना। इससे सांस बढ़ता है और तार सप्तक में खुली आवाज़ के साथ रियाज करना और गाना गा पाना भी आसान करता है। इस वीडियो से जुड़ी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। अब तक के लिए नमस्कार।